तो क्लास 12th के सभी विद्यार्थी, लो जी आपका एकदम ओरिजिनल पेपर 2 मार्च का लिखा पढ़ी कर लेते गारंटेड है ना। इसके अंतर्गत मैंने है ना 30 से 40 नंबर का पेपर फंसा दिया आपका रियल वाला। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? दक्षिण पूर्वी एशिया। किस देश ने सकल राष्ट्रीयता प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया? तो ये हो जाएगा भूटान। इनमें से रोपण फसल नहीं है गेहूँ। निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था का में उत्पादन का अथवा में तो पूंजीवाद। भारत में नदियों की संख्या है 10,360। तांबे का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में? राजस्थान में। ये यहाँ से आपको देख सकते हैं, ये हो गया। इतना करना है, फिर ये इतना करना है, कर लो, नहीं तो ऐसा करो चीटिंग करके ले जाओ, है ना। कुमारी है ये, है ना, कुमारी है भैया। कुमारी ईसी सेपल अमेरिकी देश की भूगोलवेत्ता है। लोगों की संख्या और भूमि के बीच के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। विकसित देश की जीवन प्रत्याशा 80 वर्ष, 2 नोडों को जोड़ने वाले सड़क योजक और बिहार स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य शहरों को बढ़ावा देना है। चलो यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है ना। ट्रक कृषि हो जाएगा सब्जियां पैदा करना। ट्रक कृषि हो जाएगा सब्जियां पैदा करना। लौह इस्पात उद्योग जमशेदपुर भिलाई, ठीक है। सबसे अधिक रेल घनत्व बेल्जियम। जन संचार माध्यम रेडियो तथा और दूरदर्शन। सबसे छोटा धार्मिक समूह हो गया जैन, ठीक है। यहाँ से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 है जोड़ी का, बढ़िया से कंप्लीट करना है। एक वाक्य में उत्तर है फ्रांसीसी स्कूल के जनक कौन थे? विडाल डी ला ब्लॉस। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं? जल की उपलब्धता, मृदा तथा जलवायु। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करना, मैंने कहा ना आप अच्छे अंक प्राप्त करो, यही हमारा उद्देश्य है, ठीक है। यहां से देख सकते हैं आप बढ़िया से, ये तो मैंने पूरी चीजें भर भी दी है और अब बढ़िया से कंप्लीट कर लेना आप इनको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, ठीक है। अब ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है, बढ़िया से कंप्लीट कर सकते हैं ना। सघन बसाव वाले देशों में आंतरिक व्यापार अधिक होता है, सत्य। 2 समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है, सत्य है। तीसरा भी आपका सत्य रहेगा, चौथा पांचवा भी सत्य रहेगा, छठा जो है वो आपका असत्य रहने वाला है। अगला देखिए, यहां पर इंग्लिश में वाले बच्चे बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हो गया। संभववाद विचारधारा का सर्वप्रथम किसने दिया? मानव भूगोल के किन्हीं 4 भूगोलवेत्ताओं के नाम आपको बताने हैं। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। जनसंख्या वृद्धि से क्या अभिप्राय है? इसे किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है? विश्व में जनसंख्या परिवर्तन के उत्तरदायी विश्व में जनसंख्या परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या कीजिए। जनसंख्या नियंत्रण का वर्णन करना है। स्थानांतरणशील कृषि को कर्तन दहन कृषि क्यों कहा जाता है? द्वितीय क्रियाकलाप क्या है? कुटीर एवं लघु उद्योगों की 4 समस्याएं बताइए। कायिक तथा कृषि घनत्व को समझाना है आपको। यहाँ से देखिए, मानव बस्ती का अर्थ बताना है, इसके प्रकार बताने हैं। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करिए। देखिए हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। स्वेज नहर के 3 व्यापारिक महत्व तो बताना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। हो गया 17 तक हो गया है प्रश्न, और इसके बाद में आपका ये क्वेश्चन नंबर 18, ये 19, ये इसका अथवा है